हेलो प्यारे बच्चों, आज दे इस वीडियो विच मैं नौवीं जमात लई 4.4 एक्सरसाइज का सवाल करवाने जा रहा हाँ। तो इस सवाल के नाल ही 4.5 जी एक्सरसाइज पूरी हो जाऊंगी। तो तुसी इहदे बाकी दे सवाल देखने वास्ते मेरे पिछले वीडियो देख सकते हो। तो सानू एक समीकरण दी हुई है y=3। इस समीकरण का आपां जमैट्रिकल निरूपण करना, जमैट्रिकल आपां नू रिप्रजेंट करना। नंबर एक वेरीएबल के रूप में, एक चल वाले रूप में, नंबर दो ते दो चलों वाले रूप में। इस सवाल के दो पार्ट हैं। तो सानू इक्वेशन हैगी जी y=3 है, इहदा पहले नंबर ते आपां करना एक वेरीएबल वाले, एक चल वाले रूप दे विच इहदा जमैट्रिकल रिप्रजेंट करना, जमायती निरूपण करना। तो दूजे पार्ट दे विच आपां दो चलों वाला, यानी कि टू वेरीएबल्स वाला जिहड़ा है, टू डिमेंशनल जिहड़ा है, वह जिहड़ा इहदा जमैटिकल रिप्रजेंटेशन करनी है, आप जमैती निरूपण करना। तो पहला नंबर का जो पहला पार्ट है, यह वेरी सिंपल, बहुत सौखा, y=3। आप नंबर लाइन पर जिदा शो कर दे किसी नंबर आप शो करना इनू नंबर लाइन के उपर। तो नंबर लाइन का सूँ पता है तो आ नंबर लाइन होंगी, ये सेंटर इतने 0 हों, तो राइट साइड प्लस वाली कीमत आदि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ते 4। तो लैफ्ट साइड में जो माइनस वाली कीमत आदि -1, -2, -3 ते -4। तो हुण तुसीं इहदे विच कन्फ्यूज नहीं होना कि इत्थे y है तो आज तो जिहड़ा हुंदा वैसे x एक्सिस हुंदा, कि इहदे विच कन्फ्यूज नहीं होना। आपां सिर्फ इहदा जमैट्रिकल रिप्रजेंट करना। तो वाई की जगह पर एक्स भी हो सकता, x=3, और जगह पर z=3 भी हो सकता। इस करके असी इनू नंबर लाइन पर होरिजोंटली जी लाइन है वही ड्रॉ करनी, तो सा जो चाहे इतने x=3 हो, वाई हो, 3 हो, जैड हो, पी हो, कुछ भी हो सकता। तो हूँ y=3, 3 का दे प्लस दे, तो इतने 3 कितने आते, इस नंबर से आते 3। तो आ जोड़ा पॉइंट हैगा इतने जोड़ा y=3 आप कह सकते, तो इहदा जमैटिकल निरूपण जिहड़ा जमायती निरूपण इन्ना ही है इहदा। तो एक वेरीएबल वाले दे विच पहले पार्ट दे विच सिर्फ यही है। तो जे आपां हुण इहनूं दो चलां वाले च करना, दूआ पार्ट जिहड़ा सैकंड पार्ट है, तो दो चलां वाले जिहड़ी समीकरण दे रूप विच इहदा जमायती निरूपण करना होवे, तां साडे कोल समीकरण जिहड़ी है उह क्या है, y=3। ये तो जी है एक चल दे विच है, पर आप इनू दो वेरीएबल्स वाले, दो चलों वाले रूप दे विच इस समीकरण लिखना है। तो इनू दो चलों वाले च लिखना होवे तां आपां एक्स वाला भी होना चाहिए, तो वाई वाला भी होना चाहिए, तो कॉन्सटेंट भी होना चाहिए। तो एक्स वाला जो ये पाना होवे आपां लिख सकते 0x+y=3। तो हुण आ जिहड़ी इक्वेशन बन गई, ये दो चलों वाली बन गई, दो वेरीएबल्स वाली बन गई, ये एक्स वाला भी है तो वाई वाला भी है। तो हुण आपां जिदा पहला आलेख किसी भी समीकरण का खिंचदे आपां उहदे दो पॉइंट ले लैंदे जां तीन पॉइंट ले लैंदे, तां उसी तरह आपां इहदे भी जिहड़े आ पॉइंट्स लैणे, फिर उहनां नूं ड्रॉ करदे आपां बाद विच। तो इस समीकरण दे विच्चों जे आपां जिदा पहला इक्वेशन सोल्व कीतियां, तो वाई वाले नूं इधर रख लैंदे, तो एक्स वाले नूं दूजे पासे लै जाईए, तो यह बन जाऊंगा 3, तो उधर है पहला 3 -0x, यह बन जाऊंगा। तो आ जी हम इक्वेशन बन गई, यदा ना आप एक रख लें, तो दो पॉइंट ले लें, वैसे 3 लें आप ग्राफ बनाने वास्ते, ये 3 ले लें, चलो 3 पॉइंट ले लें, तो इतने एक्स तो इतने वाई। तो इस समीकरण हम आप एक्स दी वैल्यूज अलग अलग भरेंगे तो वाई दी वैल्यू सानू मिली जाऊंगी। पहला एक विच एक्स बराबर है 1 भरन ते, इस समीकरण में एक्स की थान पर 1 भर दूंगे, तो वाई क्या बन जाऊंगा, वाई बराबर है 3 -0 × 1। 0 × 1 कि होंगे 0 ही होंगे, तो यह मतलब बन गया 3 - 0 = 3 बन गया। तो एक्स आप लिया 1, तो वाई की वैल्यू साढ़े को गई 3, तो वाई वाले बॉक्स में 3 भर देवे। तो इसी तरह कोई होर वैल्यू ले लें, 1 विच एक्स बराबर है 2 भरन, फिर वाई क्या बन जूँगा,
वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 0 × 2, 0 × 2 मतलब 0 ही बन जाता, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 मतलब 3 बन गया। तो आप एक्स की वैल्यू ली 2, तो वाई की फिर कि आ गई 3। तो इसी तरह आप कोई होर जिहड़ी मर्जी वैल्यू ले लीए तो वो वाई की 3 आऊँगी, इतने चाहे तुम -2 ले लिया, चाहे -1 ले लिया, चाहे जो मर्जी ले, इसी तरह तुम भर के भी देख सकते हो। तो फिर हम आप ग्राफ बना देना, तो ग्राफ बनाने वास्ते आ जड़ा हो गया वाई एक्सिस हो गया, तो आ जड़ा हो गया एक्स एक्सिस हो गया, एक्स धुरा तो वाई धुरा पॉइंट ले लें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो वाई उपर 1, 2, 3। तो हम पहला पॉइंट लें x1 y3, x1 वाले एक इधर नू है -1 -2, 1, 2, 3 वाई वाले उपर नू है। तो हूँ x1 y3, x1 है तो y3 है, तो आ पॉइंट इतने आ गया, आ पॉइंट बन गया। तो दूजा पॉइंट है x2 y3, x2 तो y3, दूजा पॉइंट इतने आ गया। तो तीजा पॉइंट है x-1 तो y3, x-1 इधर है तो y3 इतने है, तो यानी कि आ ही पॉइंट बन गए। इन्हों मिला देवे तो आप साढ़े को ये जिहड़ा ग्राफ बन गया, इस इक्वेशन का बन गया, यानी कि y=3 का 2 चलों वाले रूप के जिहड़ा ग्राफ बनया, हाले जियोमैट्रिकल निरूपण होया वो ये होया, तो एक चल वाले दे विच ये होया। तो हुण आपां इहदा दूजा सम जिहड़ा वह करते हाँ, इहदे विच भी उसी तरह का है, सिर्फ इक्वेशन जिहड़ी बदली है साडे कोल। हुण साडे कोल इक्वेशन है 2x + 9 = 0, इहदा जिहड़ा जियोमैट्रिकल जिहड़ा निरूपण करना, जियोमैट्रिकल जिहड़ा रिप्रजेंट करना, एक वेरीएबल के रूप में तो 2 वेरीएबल के रूप में पहला मांगू। तो पहला का जिहड़ा पार्ट है, पहले पार्ट के एक वेरीएबल के रूप में आप इहनू जियोमैट्रिकल निरूपण करांगे। इक्वेशन है साडे कोल 2x + 9 = 0, तो इहनू नंबर लाइन के उपर ड्रॉ करन वास्ते असां एक्स की वैल्यू पता करांगे वी एक्स किन्ना है। तो एक्स बराबर है 9 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਉਂਗੇ, ਤੇ 9 ਇਧਰ ਰਿਹਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 2x ਬਰਾਬਰ ਹੈ -9 ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਨਾਲ x ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ -9/2, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x। ਜੇ ਨਾ -9/2 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, 9 ਨੂੰ ਜੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ तो बन जाता 4.5, 4.5 यानी कि -4.5 आ गया एक्स की वैल्यू। चाहे 9/2 लिख लो, चाहे माइनस यानी कि 4.5 लिख लो, वह भी जोड़ा 9/2 ही होंगे है। तो हूँ आप नंबर लाइन के उपर जोड़ा है रीप्रजेंट कर देना, नंबर लाइन बनावे सेंटर से 0, तो राइट साइड में 1, 2, 3, 4 प्लस दी वैल्यूज़, तो लैफ्ट साइड में माइनस की वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5। तो हूँ जोड़े असी एक्स इज इक्वल टू -4.5 यानी कि 4 पूरे तो नाल हाफ 4.5 यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, तो 4.5 जोड़ा है यह 4 × 5 के बिल्कुल सेंटर च आ जाऊँगा इतने। तो आ जोड़ा पॉइंट है ये जोड़ा है गया एक्स इज इक्वल टू -4.5, तो ये पहले पार्ट का साडा आंसर हो गया, एक वेरीएबल के रूप में जमायती निरूपण हो गया। तो फिर हुण आपां करांगे 2 वेरीएबल के रूप में, तो दूजे पार्ट के 2 चलों वाले जिहड़ा समीकरण के रूप में पहला इहनू रिप्रजेंट करांगे, इहनू ड्रॉ करांगे, फिर इहदा ग्राफ जिहड़ा ड्रॉ करांगे। तो इक्वेशन जिहड़ी हैगी है साडे कोल 2x + 9 = 0, तो आप जो 2 वेरीएबल्स वाली लैनी है, तो ये कल्ला एक्स वाला है, तो वाई वाला ये नहीं है, तो आप फिर क्या लिख सकते, इन इदा भी लिख सकते 2x + 0y तो +9 = 0, इदा भी इन लिख सकते। तो फिर आप 3 पॉइंट लैन वास्ते आप क्या करांगे
कि एक्स वाले नूं एक साइड रखांगे ते बाकी आनूं सारे नूं दूजे पासे लै जावांगे ते फिर क्या बन जाऊंगा, इहनूं वी उधर लै जाऊंगे ते आ जिहड़ा पहला 2x इधर रह गया, 2x बराबर है इहनूं उधर लैके गए 9, उधर लैके गए माइनस 9 बन गए, ते फिर 0y नूं वी उधर लै जाओ माइनस 0y बन गया। ते x दी वैल्यू आपां फाइन करने ग्राफ ड्रा करन वास्ते आपां उहदी वैल्यूज लवांगे, ते x जिहड़ा होऊंगा फिर दो दिन वाले एक्स दिन मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा माइनस 9 माइनस 0 वाई तो ओवर 2 बन जाऊंगा। तो आ साड़ी इक्वेशन बन गई, यदा नाम आप रख देना एक, तो हूँ आप दो वैल्यूज कोई लैनी है ग्राफ ड्रॉ करने वास्ते, हाँ एक्स हो गया तो आ वाई हो गया, तो ये आप वाई दैल्यूज अपने को पर ही जानी तो एक्स दैल्यूज सानू मिली जाऊंगी। तो पहला एक विच इक्वेशन एक विच वाई बराबर है एक भरन ते वाई दी वैल्यू जे एक भर दी इहदे विच तां एक्स क्या बन जाऊंगा, एक्स बराबर है माइनस 9 ते माइनस 0 गुणा वाई दी थां ते एक लिख दां 1/2 ते माइनस 9 0 गुणा 1 जिहड़ा 0 बन जाऊंगा माइनस 0/2 यानी कि माइनस 9/2। पहली वैल्यू जी आ गई एक्स की आ गई माइनस 9/2, तो वाई आप लिया एक, तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 9/2। तो इस तरह एक विच होर भर देना, एक विच वाई बराबर है 3 भरन ते फिर क्या बन जाऊंगा साढ़े को देखांगे इक्वेशन मुड़ के, एक एक्स बराबर है माइनस 9 माइनस 0 गुणा 3/2 यानी कि माइनस 9 3 गुणा 0 भी 0 बन जाता 2, तो यह भी आ गया माइनस 9/2। आप वाई लिया 3 तो एक्स आ गया माइनस 9/2। तो आप होर जिहड़ी मर्जी वाई दी वैल्यूज ले जाइए जिन्नी मर्जी ले जाइए तो एक्स की वैल्यू जी हमेशा कितनी आऊंगी इस इक्वेशन के माइनस 9/2। तो फिर आप हमने ग्राफ खिंचना, तो आ हो गया होरिजोंटल लाइन जी होंगी होंगी एक्स तुरा, तो वर्टिकल जी लाइन होंगी हों वाई तुरा, तो एक्स दैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 इधर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 तो माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 4 तो माइनस 5 1, 2, 3, 4, 5 तो वाई दियां वैल्यूज उपर नूं प्लस वाली 1, 2, 3 1, 2, 3 थले नूं वाई दियां माइनस वाली। तो हुण आपां पहला पॉइंट लाउंगे वाई बराबर 1 एक्स है गया माइनस 9/2, वाई बराबर 1 मतलब एक वाला है तो एक्स माइनस 9/2 माइनस 9/2 मतलब यानी कि 4.5 होंगे 4.5 होंगे, तो ये 4.5 जिहड़ा आ 5 नाले 4 दे विचकार जिहड़ा बिल्कुल सेंटर च आऊंगा ये 4.5 इत्थे आ जाऊंगा। तो वाई किन्ना है 1 वाई 1 ये है, तो आ जिथे क्रॉस करके पहला पॉइंट आ गया साढ़े को वाई 1 तो एक्स माइनस 9/2। तो दूजा पॉइंट है वाई 3 तो एक्स फिर माइनस 9/2 है, वाई 3 आ वाई 3 है तो एक्स फिर 4.5 है माइनस 4.5, तो ये पॉइंट इत्थे आ जाऊंगा। तो होर आ दो पॉइंटां नूं जे मिला दोगे तो इहदा आलेख बन जाऊंगा ये, तो आ जिहड़ा है इस समीकरण का आलेख बन गया। कि समीकरण है 2x+9=0, ये दो वेरिएबल्स विच इहदा जिहड़ा रिप्रजेंट हो गया जोमैट्रिकल, तो आ जिहड़ा है एक वेरिएबल वाले दे रूप विच हो गया। तो आस है कि वीडियो थोड़े लिए जिहड़ा फायदेमंद होगा, तो कृपा करके होर बच्चों ने जिहड़ा जरूर शेयर करो, तो चैनल में भी सबसक्राइब करो, तो थैंक यू वेरी मच।